हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जैकलिन हिल पैलेट का रिव्यू और कैसे आप इस पैलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पूरे फेस मेकअप के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन से प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी से न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और गाइज, ये बिल्कुल फ्री है और इस पैलेट की हेल्प से मैंने आज बहुत ही अच्छा एक फेस मेकअप किया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए, अब आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है ये द जैकलिन हिल पैलेट मॉर्फी और आज मैं इसी का रिव्यू आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी खूबियों के बारे में। और एक वाइट कलर की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और पैकेजिंग इसकी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। ये आता है वाइट कलर की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में, तो कुछ इस तरह से है जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर सिल्वर कलर से लिखा हुआ है द जैकलिन हिल पैलेट मॉर्फी, ये देखिए। और जहां से मैंने ये ऑनलाइन परचेजिंग की है इसकी, तो मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। और गाइज, जहां से मैंने इसके रिव्यूज देखे थे तो मुझे ऑनलाइन इसके रिव्यूज काफी अच्छे लगे थे। और इसके रिव्यूज में भी ये मेंशन किया हुआ था कि ये ओरिजिनल पैलेट है। तो चलिए अब मैं इसे ओपन कर दिखाती हूं। और मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहती हूं गाइज, इसका जो क्लोजर है ये मैग्नेटिक है, ये देखिए। तो बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक लॉक नहीं है इसका। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। और ओपन करने पर आप देख सकते हैं, दिस पैलेट इज डेडिकेटेड टू ऑल माई लविंग सब्सक्राइबर्स एक्सो जैकलिन। तो ये सब कुछ इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है। और इसके अंदर आपको मिरर नहीं मिलता है। जहां तक मेरी बात है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मिरर कैरी करूं अपने पर्स में, हमेशा मैं मिरर लेके साथ चलती हूँ। तो चलिए अब इसकी बात करते हैं शेड्स की, कि आपको टोटल इसमें शेड्स कितने मिलते हैं। तो आपको टोटल इसमें 36 कलर मिल जाते हैं, ये देखिए। और इसमें गाइज, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि इसमें आपको कुछ शेड जो है सेम मिल जाएंगे, जैसे कि ट्रांजिशन कलर्स हैं, ये देखिए, ये कुछ जो कलर्स हैं, तीन या चार शेड्स जो है इसमें, ये सेम शेड हैं। और जो ये शेड है रेड, ये रेड नहीं है। जब आप इसे ब्लेंड करते हैं तो ये हल्का ऑरेंज हो जाता है, कुछ इस टाइप से। तो मुझे ये चीज थोड़ी सी स्केची नहीं लगी है। अदरवाइज अगर कलर की बात की जाए तो कलर सारे ही बहुत ही ब्यूटीफुल से शेड है इसमें। और इस पैलेट की हेल्प से अगर आप पार्टी या फंक्शन के लिए अगर रेडी होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। बहुत ही अच्छे इसमें शेड्स दिए हुए हैं, कुछ इसमें ट्रांजिशन कलर्स हैं, न्यूट्रल शेड्स भी हैं, और आपको कुछ ब्राउन शेड मिल जाते हैं। तो इस ब्राउन शेड से आप अपनी आईब्रोज को फिल कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात लगी है मुझे। और काफी अच्छे कलर हैं इसमें। और जैसा कि मैंने ऑनलाइन देखे थे इसके कलर, ऐसे ही मुझे सेम ये रिसीव हुआ है पैलेट। बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में ये पैक होकर आया था, नाइसली बबल रैप होकर आया था ये। तो पैकेजिंग के लिए तो मुझे अच्छा लगा है कि काफी सेफ्टी के साथ आप तक ये प्रोडक्ट पहुंचाया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके शेड्स की और पिगमेंटेशन की। तो इसमें टोटल जो शेड्स मिल जाते हैं आपको 36 मिलते हैं। 17 शेड्स आपको शिमर में मिल जाएंगे इसमें। आपको लाइक गोल्डन है, कॉपर शेड है और सिल्वर शेड भी मिल जाता है। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से कलर है ये, और इससे आप हाइलाइटिंग कर सकते हैं अपने फेस की। ये जो दो शेड हैं गाइज, ये मुझे सेम लगे हैं, ये देखिए। कुछ शेड मुझे इसमें सेम लगे हैं और कुछ शेड बहुत ही अलग हैं, बहुत ही अच्छे हैं। इसमें जो ब्लैक शेड दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो ब्लैक शेड है इसमें भी शिमर्स पार्टिकल हैं, तो ये भी अच्छा है काफी शेड। और कुछ इसमें आपको पर्पल मिल जाता है, पर्पल ब्लू और ये टर्कोइज ग्रीन कलर आपको शिमर में मिल जाता है। और ग्रीन के साथ आपको एक और ये शेड मिल जाता है, ये शिमर शेड है, और एक आपको मैट शेड मिल जाता है। तो कुछ इस पैलेट में आपको शिमर शेड मिल जाएंगे और कुछ जो शेड्स हैं वो मैट शेड है। तो चलिए अब मैं इसका एक आपको हैंड स्वॉच कर दिखाती हूँ सभी शेड्स का। और इस पैलेट की हेल्प से गाइज, आज आप ये मेरा मेकअप लुक देखेंगे कि मैंने किस तरीके से किया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए अब मैं इसका एक स्वॉच कर दिखा देती हूँ आपको सभी शेड्स का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शिमर शेड ले रही हूँ, ये देखिए। पिगमेंटेशन की अगर बात की जाए तो काफी अच्छी है पिगमेंटेशन इसकी। वन स्वाइप में ही बहुत अच्छा शेड देते हैं आपको ये कलर, ये देखिए। अब मैं ये ग्रीन कलर दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। नेक्स्ट मैं यहां पर ले रही हूँ ये ब्लू शेड, और ये जो शेड मैंने लिया ये पर्पल शेड है, ये ब्लू। शायद आपको कैमरा में ये दोनों शेड एक से लग रहे होंगे, बट ये एक से नहीं है।
अब मैं ये कॉपर शेड दिखाती हूँ, तो ये देखिए वाओ काफी अच्छी पिगमेंटेशन है इसकी। तो अब मैं आपको कुछ मैट शेड दिखाती हूँ, ये देखिए पिगमेंटेशन काफी अच्छी है इन कलर्स की, तो काफी अच्छे शेड्स हैं। हाँ कुछ शेड आपको सेम लगेंगे। अब मैं आपको एक गोल्डन कलर दिखाती हूँ, ये देखिए तो ये देखिए। नेक्स्ट मैं आपको इसमें एक ब्रॉन्ज कलर दिखाती हूँ, ये देखिए ये कुछ ब्रॉन्ज सा शेड है और कुछ कॉपर सा आपको लग रहा होगा, तो ये काफी अच्छे कलर हैं और पिगमेंटेशन भी काफी अच्छी है इनकी। ये ट्रांजिशन कलर है जो कि काफी लाइट है, ये देखिए। और एक मैं आपको यहाँ पर आईब्रो फिल करने वाला कलर दिखाती हूँ, ये देखिए, तो ये भी काफी अच्छा कलर है, चॉकलेट ब्राउन कलर है ये। तो चलिए मैं इस पैलेट की हेल्प से आपको अपना पूरा मेकअप कर कर दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इस डार्क ब्राउन कलर की हेल्प से अपनी आईब्रोज को फिल कर लूंगी, और काफी अच्छा शेड है ये, आईब्रोज के लिए मुझे परफेक्ट लगा है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ये ट्रांजिशन कलर ले रही हूँ और इसे अपनी क्रीज लाइन पर अच्छे से लगा लूंगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ये रेड कलर का शेड ले रही हूँ, क्योंकि वो वाला कलर मुझे बहुत ज्यादा लाइट लगा था, ज्यादा पिगमेंटेड नहीं है वो शेड, और इसीलिए मैंने ये रेड कलर लिया है जो कि मुझे ऑरेंज कलर जैसा ही लग रहा है। तो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी अपनी क्रीज एरिया पर। और गाइज हाँ ये बात सच है कि इसमें काफी शेड्स जो हैं एक जैसे ही हैं, ब्लेंड करने के बाद उनका कलर जो है सेम हो जाता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ये ब्लू कलर ले रही हूँ और ये शिमर शेड है और काफी पिगमेंटेड है, आप देख सकते हैं ये कलर। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर ये पर्पल कलर ले रही हूँ, ये भी शिमर शेड है, इसे भी मैं अपनी आईलिड पर अच्छे से लगा लूंगी। अपनी फिंगर टिप की हेल्प से मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, क्योंकि फिंगर की हेल्प से शिमर शेड बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ही अच्छा कलर भी देते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर इसी रेड कलर को जो कि मैंने अपनी क्रीज लाइन पर लगाया था, इसे ही मैं एज अ ब्लश लगा लूंगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर यही ब्राउन कलर लूंगी जिससे मैंने अपनी आईब्रोज को फिल किया था, तो मैंने इसे कंटोरिंग के लिए यूज़ करा है। मैं अपने फेस को कंटोर कर लूंगी इस शेड से, काफ़ी अच्छा शेड है, कंटोरिंग के लिए भी मुझे बहुत बेस्ट लगा। और वैसे ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है कि अगर आपके पास पूरा अगर आप मेकअप किट ले जाना भूल गई हैं, तो आप आई शेडो पैलेट की हेल्प से भी अपने फेस का मेकअप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सिल्वर कलर का शेड लिया है, इसे मैं हाईलाइट करूंगी अपने फेस को, तो आप देख सकते हैं काफ़ी पिगमेंटेड शेड हैं इसके, शिमर शेड मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं, देखिए कितना पिगमेंटेड है ये। और अपने नोज एरिया पर भी लगा लूंगी मैं इसे। नेक्स्ट मैं यहाँ पर मैक का आईलाइनर लगा रही हूँ, और अब मैं मैक का मस्कारा लगा लूंगी। तो देखा आपने फ्रेंड्स कि एक आई शेडो पैलेट की हेल्प से भी आप कितना अच्छा मेकअप कर सकते हैं। अगर आपके पास हाइलाइटर नहीं है, अगर आपके पास ब्लश नहीं है, तो आप अगर ले जाना भूल गए हैं कहीं पर, तो आप एक आई शेडो की हेल्प से भी अपना फेस का मेकअप जो है कंप्लीट कर सकते हैं। और ये है मेरा फाइनल लुक फ्रेंड्स। आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो ये हेल्पफुल लगा और पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और गाइज आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, और गाइज मुझे अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा, मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि मैं अपनी वीडियो में और किस टाइप के वीडियो लेकर आऊँ, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।